यो व्हाट इज एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे बना सकते हैं बहुत ही ऑसम थंबनेल, वो भी सिर्फ मीन्स पिक्सल लैब पीएससीसी और अडोब लाइटरूम को यूज करके। तो गाइस ये थंबनेल गाइस मीन्स यहाँ पे गाइस मैं आपको कोई भी मीन्स पैक वैक ये नहीं देने वाला, पर गाइस मैं आपको मीन्स एक सर्वर ऐसा बताऊंगा कि जिसमें ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे मीन्स ऐसे आप लोग मांग सकते, या फिर आपको ना ऐसे सारे मटेरियल्स मिल जाएं। तो आपको ना एक आइडिया मैं देने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पिक्सल लैब में आपको आके थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना और आपको यूट्यूब थंबनेल वाला चुन लेना, और फिर गाइस आपको अपना टेक्स्ट ऐड कर देना है। तो गाइस अभी यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है मैं लिखने वाला हूँ फेनिक बोलते। सो चलिए, अरे यार ऑटो करेक्शन भाई, फेनिक बोलते। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने फेनिक लिख के इसे कैपिटल कर दिया, और आपको मीन से अपना साइज दे देना है। यहाँ पे मैंने सेटल कर दिया, और उसके बाद आपको जो ए बटन है वहाँ पे जाके आपको इसका फॉन्ट दे देना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जो आपको फॉन्ट मीन्स अच्छा लगे आप वो चुन सकते हैं। सो गाइस जैसा कि मीन्स अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉन्ट चुन लेते हैं। सो गाइस ये अच्छा लग रहा है, तो हमने फॉन्ट चुन लिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने से इसकी ना हमें एक और इसे कॉपी कर लेना है, और फिर जो हमारा सेकेंड टेक्स्ट है आप चाहे तो सेम फॉन्ट का कर सकते हैं, फिर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो मैं तो सेम रखने वाला हूँ, तो हमने इसे कर दिया कैपिटल, और इसे भी सेव कर देते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेना है इसे। सो गाइस इसके बाद आपको आ जाना है पीएससीसी में। पीएससीसी में आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है 1920x1080p का। सो ये मीन्स ये हमारे थंबनेल का ही रेशियो होता है। तो उसके बाद गाइस आप लोगों को ना जो आपकी इमेज है मीन्स जो आपका बैकग्राउंड है आपको उसे इम्पोर्ट कर लेना है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपनी इमेज वाले बटन पे जाते हैं, उसके बाद डाउनलोड्स पे जाके ये रहा हम लोगों का बैकग्राउंड। सो आपको ऐसे ही अभी इसे सेटल मीन्स ऐसे ही रख के आपको इसे सेव कर लेना है, फिर आपको इसकी ओपेसिटी कम कर लेनी है, फिर ट्रांसफॉर्म पे जाना है, और फिर आप ना इसे बिल्कुल मिडल में ना आपको इसे मिडल में नहीं रखना, आपको ना इसे जैसे थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट की ओर कर देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा सा लगेगा, जिससे आपको ना मीन्स स्पेस भी मिल जाएगा मीन्स अपना जो वो है टेक्स्ट लिखने का, आपको ओपेसिटी फुल करना। जैसा कि देव मेरे में अभी थोड़ा मीन जैसे वो हो रहा मीन साइड में बॉर्डर सा बन गया था, तो मैंने सेव कर लिया है। अब आपको इसे सेव कर लेना है, और आपको आ जाना है अडोबी लाइट रूम में। सो गाइस अडोब लाइट रूम में आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले जो यहाँ पे एक इमेज टाइप का बटन है, आपको मीन इस पर क्लिक करके अपनी इमेज इम्पोर्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमने अपनी इमेज इम्पोर्ट कर लिया, फिर आपको इसे सेलेक्ट करना है, और जो ये प्रीसेट्स वाला बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आपको प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये मीन्स मेरे कुछ प्रीसेट्स है, तो मैं इनमें से देखता हूँ कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है, फिर मैं उसे यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे मुझे तो मीन्स अभी सबसे अच्छा फ्रैंकी लग रहा है, तो सोच रहे आप मीन्स सोच रहे गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकी हम लोग लगा लेते हैं, और इसके बाद आपको इसे शेयर कर लेना है, सेव टू डिवाइस कर देना है, और गाइस इसके बाद आपको वापस से आ जाना है अपने पीएससीसी में। गाइस पीएससीसी में आपको आके अपना सेम प्रोजेक्ट ले लेना है वही वाला, और इसमें आपको एक इमेज इंपोर्ट कर लेनी है फोटो लाइब्रेरी जहाँ भी आपने सेव कर रखे। तो मेरा अडोबी लाइटरूम वाला जो फोल्डर है उसी में मैंने सेव कर रखी थी, तो आपको इसे भी मीन्स वहाँ से ही ले आना, और इसकी जो लेयर है आपको उसे नीचे कर देनी है। और गाइस जो ऊपर वाली लेयर है मीन्स आपको ऊपर वाली लेयर पर जाके ना आप सिलेक्ट मीन्स यहाँ पर जाके आप लोगों को पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल यूज़ कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल यूज़ करके आपको अपना कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे शो पॉइंटर ऑन कर लेना, और फिर आपको अपना यहाँ पे कैरेक्टर सिलेक्ट करना है। गाइस आप ऐसे भी मीन्स कर सकते हो, और गाइस मैं आपको एक ईजी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको ये बैकग्राउंड रिमूव्ड मीन्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बस ट्रिक की ओर बढ़ जाते हैं। गाइस आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है remove.bg। सो गाइस एक वेबसाइट है जो आपको मीन्स आपका जो भी इमेज है उसका ना बैकग्राउंड आपको रिमूव करके दे देती है। तो फिर यहाँ पे आप अपलोड करके यहाँ पे जो आपका पुराना था जो मीन्स आपने अडोब फोटोशॉप में पीएससीसी में जो आपने इमेज मीन्स वो करी थी ना सेटल, तो आपको वो वाली ले आनी है, अडोब लाइटरूम वाली नहीं लानी है। तो यहाँ पे लाएँ गाइस, यहाँ पे ना कभी कभार कुछ मिस्टेक्स कर देता है, जैसे मेरी में इसने गाइस आप जैसा कि देखा गाड़ियाँ लाएँ, पर उससे मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मीन्स गाड़ियाँ भी उसमें अगर थोड़े अलग कलर की आ जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे फिर आपको मीन्स अपना जो इस वाली जो आपने पहले जो
आपका जो प्रोजेक्ट था आप जो आपने PSCC में किया था उसे डिलीट कर देना, और जो आपने डाउनलोड करी थी अभी रिमूव बैकग्राउंड वाली इमेज उसे लेके आपको अच्छी तरह यहाँ पे सेटल कर देना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेटल कर देता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे हमने उस इमेज को सेटल कर दिया है और अब आपको इसे टिक कर देना है। सो गाइज़ फिर आपको अपनी जो मीन्स इसे पे आपको एक और फोटो लेयर ऐड करनी है, जो आपने अपने पिक्सल लैब में टेक्स्ट ऐड किया था ना आपको वो वाली फ़ोटो लेयर इसमें ऐड कर देनी है, जैसे हेरा पैनिक बोलते। फिर आपको इसे मीन्स इस जिस भी साइड आपने कैरेक्टर लगाया उसकी दूसरी साइड आपको टेक्स्ट लगा देना, और उसके बाद आपको जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करना, और उसके बाद आपको इसका मीन्स जो नीचे यहाँ से सॉरी मैंने गलती से यहाँ से क्लियर कर दिया, बैक जाते हैं नीचे वाली लेयर में जाना है और आपको कर देना है क्लियर। तो हमारे पास अब दो अलग लेयर आ गई हैं, एक आपकी फैनिक की लेयर आ गई और एक बोलते की लेयर आ गई। तो यहाँ पे अब ना आप लोगों को मीन्स अपना जो टेक्स्ट है आप उसे अच्छी तरह सेटल कर देना कि आपको किस तरह से मीन्स रखना है। तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट उसे अच्छी तरह सेटल कर देता हूँ यहाँ पे। अब बोलते वाले को भी थोड़ा ऊपर ले आते हैं और थोड़ा छोटा करके ना इस तरह से मुझे अच्छा लग रहा है तो इस तरह भी यहाँ पे कर देता हूँ। और उसके बाद ना आपको जो बोलते वाली है ये जो भी आपका टेक्स्ट है आपको उस पर इस पर जाना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट पिक्सल्स कर देने हैं और एंड वाले पे ग्रेडियंट ऐड कर देना है। आपको यही वाला जो मीन्स पहले से ग्रेडियंट मिलता है तो आपको कर लेना है, और उसके बाद आपको डीसेलेक्ट कर देना। फिर आपको फेनिक वाली लेयर पे जाना है, आपको सिलेक्ट पिक्सल्स करने हैं, पर मैं गलती से मीन्स सिलेक्ट पिक्सल्स ऑफ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सिलेक्ट पिक्सल्स करना है और फिर आपको ग्रेडियंट पे जाना है, और यहाँ पे आपको जो नीचे पेंट वाला उस पर जाना है, और वाइट वाले ग्रेडियंट को ना पेंसिल सी बनी उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और फिर आपको जो मीन्स ग्रेडियंट यहाँ पे मैं जैसे आप कोई भी ग्रेडियंट चुन सकते हो, तो यहाँ पे ना मैं अपनी इसी से इमेज से ही चुनने वाला हूँ ग्रेडियंट। गाइस यहाँ पे ना चुन लेते हैं अच्छी तरह पहले कोई ग्रेडियंट। तो यहाँ पे गलती से एक ग्रेडियंट चुन लिया मुझे, मीन्स जो ब्राउनिश का ग्रेडियंट है ना वो चुनना है। तो यहाँ पे ब्राउनिश से ग्रेडियंट पे थोड़ा ले आता हूँ, यहाँ पे गाइस थोड़ा टाइम लगता है। हाँ तो गाइस यहाँ पे आ गया। मैं इसे ना थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया तो मैं इसे थोड़ा लाइट कर देता हूँ, थोड़ा ऑरेंजिश सा मैंने इसे टेंट दे दिया है, जिसे हमने सेव करके डीसेलेक्ट कर देना है पिक्सल्स को। तो उसके बाद गाइस आपको एक डुप्लीकेट इसकी लेयर करनी है, और आपको इसे बहुत मीन 5-6 बार आप इसे गॉशन ब्लर दे देना अच्छी तरह। मैं स्टार्टिंग में 10 का दे देता हूँ, उसके बाद मैं 55 का दे देता हूँ गॉशन ब्लर। सो गाइस यहाँ पे तो मीन्स आप आराम से 5-6 बार गॉशन ब्लर दे दोगे ना तो फिर इस पर ना थोड़ा ग्लो टाइप आ जाता है आपका जो ये टेक्स्ट है। इस पर मैंने यहाँ पे 5 बार गॉशन ब्लर दे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके आपको इसे लीनियर डॉच कर दे, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ग्लो सा आ गया आपके टेक्स्ट पे। सो फिर गाइस आपको एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करनी है, नीचे वाले टेक्स्ट पे जाके आपको एक मीन्स एम्प्टी लेयर पहले आपको इसे गाइस एक ड्रॉप शैडो दे देनी है। आपको जो आपको कलर चुनना है ना वापस से आप ये पेंसिल चुन के जो आपका ऑरेंज कलर था ना हमने इस पर लिया, यहाँ पे आपको इस ऑरेंज कलर को चुनना है, और आपको मीन्स आप मैंने ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दी है जिससे थोड़ा ग्लोइश सा है, और आप ब्लर चुन लेना, देख लेना आपको कितना ब्लर सही लग रहा है। मुझे 2 ब्लर अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। और उसके बाद आपको एक मीन्स एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेनी है, मीन्स एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना, उस पर ना हम लोग एक स्ट्रोक सा बना लेंगे इसका जिससे थोड़ा और उभर के आएगा। तो यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लिया, आपको इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करने हैं, एम्प्टी लेयर पे जाना है, फिल एंड स्ट्रोक यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको स्ट्रोक पे चले जाना है, और जो आपका कलर आपको चुनना है यही कलर जो मीन्स पेंसिल लेके आपको यही जो हमारा ऑरेंज था ये टेंट हमने बनाया आपको यही टेंट ले लेना है। और जो विड्थ है मैं इसमें तो रखने वाला हूँ 3 विड्थ रख देते, 3 अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे 3 विड्थ रख दिया, और उसके बाद आपको डी सेलेक्ट कर देना है। और जो ये हमारी तीनों लेयर हैं आपको ना इन तीनों को मीन्स लीनियर डॉट था आपको इन तीनों लेयर को वो कर देना है। पहले यहाँ पे लीनियर डॉट देके आपको ना यहाँ पे चुन लेना कि अगर आपको कोई इफेक्ट लगाना है, ऐसे मैं यहाँ पे मुझे लाइटन अच्छा लगता है थोड़ा ग्लोइश सा हो जाता है, आपको अब इन तीनों लेयर को मर्ज कर लेना है। तो गाइस अब आप ना सेम ट्रिक अपने जो बोलते वाला टेक्स्ट है जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसके साथ कर लेना। सो गाइस यहाँ पे अपने हमने अपना जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसके साथ भी कर लिया है। तो गाइस इसके बाद आपको चले जाना है मीन्स यहाँ पे हम लोग आपको इन में भी मीन्स मर्ज कर लेना है, जिससे आप देख पा रहे आप अब आसानी से मीन्स इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे कर लिया। इसके बाद गाइज आप लोगों को चले जाना है वापस से फोटो लाइब्रेरी में, और यहाँ पे गाइज आप लोगों को मीन्स जैसे मैंने पहले बताया एक डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ना आप लोगों को बैकग्राउंड जैसे इमेजेस ये सब आपको वहाँ पे बहुत ईजीली मिल जाएंगे। तो गाइज वहाँ पे आप मीन्स ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। वो मेरा सर्वर नहीं है, मेरा सर्वर अलग है, मीन्स जो वो वाला सर्वर रहेगा लाइट हब का वो गाइस बिल्कुल टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो आप वहाँ पे मीन्स उसे चेक कर लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्टिकल्स की लेयर ऐड करी है, और फिर आपको इस पर दे देना है लीनियर डॉट, यार सॉरी ये गलती से
लीनियर डॉट्स दे देते हैं हम इसको, और जैसा कि आप देख सकते हैं डॉट्स ही आ गई हैं। इसे मैं नीचे ले आया हूँ टेक्स्ट लेयर से जिससे थोड़ा अच्छा सा देखे। उसके बाद ये स्पेशल ग्रेडियंट गाइस, ये सारे मीन्स मैं पैक वैक कुछ नहीं देना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया उस सर्वर में, क्योंकि अगर पैक दे दिया तो गाइस आप लोग एक थंबनेल बना लोगे मीन्स उस पैक से। पर मैं चाहता हूँ मीन्स आपको ना और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप एक ही मीन्स थंबनेल फिर आप आराम से खुद बना लो। क्योंकि जैसे पहले मैं भी वीडियोज़ देख के बनाता था थंबनेल, पर अब से मीन्स मैं खुद ही बना लेता हूँ थंबनेल। जैसे मीन्स वहाँ से मैं सामान ले लेता हूँ, मटेरियल वहाँ पे होते हैं, मटेरियल वहाँ से ले लेता हूँ और थंबनेल मैं खुद बना लेता हूँ। सो ऐसे ही आप कर लेना, और उसके बाद ना आप मीन्स ऐसे पार्टिकल जो सब ऐड करके आपको सेव कर लेना और आ जाना है अडोब लाइट रूम में। गाइज आपको अब अडोब लाइट रूम में भी अपना जो प्रोजेक्ट है उसे इम्पोर्ट कर लेना, और उसके बाद आपको जो आपका प्रोजेक्ट है उसे खोलना, और आप प्रीसेट्स में जाके आप आराम से मीन्स ऐसे कोई भी प्रीसेट दे देना जो आपको अच्छा लगे। सो गाइज यहाँ पे मैं भी थोड़े मीन्स ऐसे आप चेक कर लेना कि आपको कौन सा प्रीसेट अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको जो प्रीसेट अच्छा लग गया वो वाला प्रीसेट यहाँ पे दे देना। सो गाइज यहाँ पे मुझे प्रीसेट अच्छा लगा, तो फिर उसके बाद आपको इसे सेव करके वापस से आ जाना है PSCC में। गाइज PSCC में आपको आके एक नया प्रोजेक्ट ले लेना है 1920x1080 का, और उसके बाद जो आपका मीन्स इमेज आपने लाइट रूम में अभी एडिट करी थी आपको उसे यहाँ पे ले आना, और आपको इसे मीन्स ऐसे फुली सेव कर लेना। और उसके बाद आपको मीन्स आप चाहे तो और भी ऐसे मीन्स मटेरियल्स आप ला सकते हो, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको वहाँ पे मटेरियल्स मिल जाएंगे, तो आप उस सर्वर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मटेरियल मिले। और गाइज आप वहाँ पे मीन्स बता भी देना कि आप हमारे चैनल से आओ, जिससे गाइज हमारे चैनल का भी थोड़ा मीन्स फ़ायदा हो जाए। सो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने मीन्स आप इसे आराम से अपना टिन टाइप में अभी दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे और थोड़ी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, जैसे यहाँ क्रोमा है मेरा, मैं यहाँ पे क्रोमा कलर ऐड कर देता हूँ। इसे ट्रांसफॉर्म में जाके थोड़ा मीन्स ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अच्छी तरह, जिससे थोड़ा अच्छा सा दिखे ये। हाँ यहाँ पे अब इसे ऊपर ले आते हैं, और इसकी जो लेयर है मैं इसे नीचे ले आऊँगा, जिससे जो वो बॉर्डर है वो ज़्यादा दिखे। फिर इसे मीन्स यहाँ पे जाके लीनियर डॉट्स दे देना है। और गाइस मीन्स मुझे तो यार PSCC से अच्छा कोई एप्लीकेशन लगता ही नहीं है थंबनेल बनाने का, और आप इसकी ओपेसिटी चाहे थोड़ी कम कर लेना, वो आप मीन्स ऐसे ना जो आप धीरे धीरे सीखोगे, जैसे आप एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा ना, तो आप मीन्स आराम से बना लोगे। यहाँ पे मैं एक मीन्स ये इमेज भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, इसे थोड़ा से पहले करके इसे मैं यहाँ पे लाके इसे ऐड करके जैसे इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँगा, जिससे मीन्स थोड़ी अच्छी सी मीन्स पे लुक आ जाएगी। इसे मैं ऊपर ही रखते हैं, और इसे दे देते हैं एक लीनियर डॉज, और थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, इससे मीन्स थोड़ा वो हल्के हमारे जैसे थोड़ा डार्किश लुक है तो वो थोड़ा बरकरार रहे। फिर यहाँ पे मैं ब्रश ऐड कर लेता हूँ यहाँ साइड में, और इसे मीन्स मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं ब्रश के मीन्स यहाँ पे चले जाता हूँ इसका मीन्स, इस पर जाके मैं ऐसे कलर बैलेंस पे जाके कलर दे देता हूँ अपना यही वाला। और उसके बाद मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ, और डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाके इस तरफ जाता हूँ, और इसे मीन्स बिल्कुल उल्टा ही कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे इसे लगा लेते हैं डुप्लीकेट लेयर को। सो यहाँ पे थोड़ा मुझे अच्छा सा लगा। सो यहाँ पे गाइज ये हम लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज यही थी मीन्स आज की हमारी वीडियो, और गाइज ये हमारा मीन्स अब आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा फाइनल प्रोजेक्ट वर्क कैसा हो रहा। सो गाइज यहाँ पे और आपको वो सर्वर आज ज्वाइन कर लेना गाइज, और वहाँ पे आप बता भी देना कि आप मीन्स हमारे चैनल से आए, जिससे हमारे चैनल का भी थोड़ा मीन्स फ़ायदा हो जाए। और गाइज अगर आपको मीन्स बनवाने हैं आपको थंबनेल, सो गाइज आप मुझे डिस्कॉर्ड पे गाइज आप मैसेज कर देना, मैं आपके लिए लो प्राइस में थंबनेल जैसा बना दूंगा। और गाइज 200 सब्सक्राइबर्स पे गाइज हम एक गिव अवे करने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में, एक बैटल पास कर सो गाइज जल्दी से 200 सब्सक्राइबर का। मुझे पता है अभी बहुत मुश्किल है 200 सब्सक्राइबर्स करवाना, तो गाइज जब 200 सब्सक्राइबर्स जाएंगे हम लोग गिव अवे करेंगे बैटल पास। सो गाइज अगर आप चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो से लाइक कर दो, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट।